We are building Petabyte Project. The EPYC 7742 CPU. 64 cores, 128 threads running. Why should Baba Linus have all the fun? क्या घर में अगर कोई सर्वर बनानी हो इसके लिए किसी को ऐसी पेटाबाइट्स ऑफ स्टोरेज 10-20 पेटाबाइट्स ऑफ स्टोरेज की हार्ड ड्राइव 64 128 कोर की एपिक प्रोसेसर 4U चैसी ये सारे सर्वर हार्डवेयर साथ में एक लिनक्स चलाने वाला कंप्यूटर की गीक ऐसी सब कुछ जरूरत है घर में सर्वर बनाने के लिए क्या हम लोग इंडिया में सस्ते में घर में एक होम क्लाउड सर्वर बना नहीं सकते बिल्कुल बना सकते हैं नमस्कार लेजी ट्यूरर के इस वीडियो एपिसोड में आपका स्वागत है आज मैं अपने लिए घर में एक होम क्लाउड बैकअप सर्वर बनाने वाला हूँ वो भी बिल्कुल फ्री में लीगली लीगल सारे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके और आपको दिखाऊंगा जी हाँ आप जो देख रहे हो बिना किसी कंप्यूटिंग की एक्सपीरियंस के कोई लिनक्स जानने की ज़रूरत नहीं है कोई प्रोग्रामिंग जानने की ज़रूरत नहीं है आप भी अपने लिए ऐसा ही एक सर्वर बना सकते हो और उसका फ़ायदा उठा सकते हो वैसे एक डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर के साथ सर्वर की कोई डिफरेंस नहीं होती है सुनने में अजीब लगता है पर इसकी हार्डवेयर बेसिकली कैटेगरिकली सेम ही होती है डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर हो और या फिर एक सर्वर कंप्यूटर इन सारे में ही एक कंप्यूटर के हिसाब से आपके पास प्रोसेसर मदरबोर्ड रैम ग्राफिक्स और स्टोरेज ये 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होती है जो कि ना ये जो चैसी है उसके अंदर ठूसी जाती है बस इसके अलावा एक डेस्कटॉप कंप्यूटर और एक सर्वर में सिर्फ डिफरेंस सॉफ्टवेयर का होता है क्या काम आप करने वाले हो दूसरी चीज एक सर्वर और एक डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप जो पर्सनल कंप्यूटर होती है उसकी सॉफ्टवेयर के हिसाब से और एक बड़ी मेजर डिफरेंस जो होती है वो है आप क्या काम करने वाले हो आप डेस्कटॉप या लैपटॉप ले लेते हैं उसके ऊपर जैसे आपको जरूरत पड़ता है आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके डिफरेंट काम आप कर लेते हो पर सर्वर जो होता है वो एक स्पेसिफिक काम के लिए बनाया जाता है उसके हिसाब से आप सॉफ्टवेयर चॉइस करते हो और एक बार बनाने के बाद उससे कोई छेड़खानी नहीं वो पड़ा रहता है अपनी जगह पे एक कोने में और बैकग्राउंड में जब भी आप उससे कोई काम करवाना चाहो 24/7 ऑन रहता है जब भी आप कोई काम करवाना चाहो वो रेडी रहता है आपकी वो पर्पस सर्व करने के लिए इस वीडियो में जो हम सर्वर बनाने वाले हैं ये गूगल फोटोज की एक अल्टरनेट के हिसाब से चलेगी आपको जैसे पता है गूगल फोटोज पहले फ्री हुआ करती थी जहां से आप अपनी सारे फोन की फोटोज वीडियोज वगैरह आप अनलिमिटेड बैकअप कर सकते थे और फोन से डिलीट कर दो क्लाउड में है कभी भी एक्सेस कर सकते हो पर अब नहीं मैं इस वीडियो में जो सर्वर अपने लिए बनाने वाला हूँ ये इंटरनेट पे हमेशा कनेक्टेड रहेगा इसकी एक अपनी खुद की ऐप रहेगी जिसके जरिए जो भी मैं अपनी फोन में फोटोज या वीडियोज वगैरह क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली दुनिया में कहीं भी मैं रहूं इंटरनेट के जरिए मेरे इस घर की जो होम बैकअप सर्वर है यहाँ पे अपलोड हो जाएगी और कभी भी मैं किसी भी ब्राउजर हो फोन हो या डिवाइस हो उससे इसे एक्सेस कर सकता हूँ अपना फोन की स्टोरेज फ्री करके सिर्फ मैं ही नहीं मेरे घर में जो भी फैमिली मेंबर्स है या मेरे कुछ दोस्त वगैरह वो भी इस सेटअप को इस्तेमाल कर पाएगा अब किसी भी कंप्यूटर बनाने के लिए 2 प्रीरिक्विजिट्स होती है एक हार्डवेयर दूसरी सॉफ्टवेयर तो इस सेटअप में हम हार्डवेयर प्रीरिक्विजिट्स की अगर बात करें तो पहले आपके पास एक स्पेयर कंप्यूटर होना जरूरी है वो आपकी पुरानी डेस्कटॉप हो सकता है या फिर कोई पुरानी लैपटॉप दूसरी चीज़ टेक्निकली स्पीकिंग मोबाइल इंटरनेट से भी ये चल जाएगा पर एक्चुअल आपकी परफॉर्मेंस उतनी खास कुछ अच्छी नहीं रहेगी तो एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन होना जरूरी है क्योंकि ये ऑलवेज ऑनलाइन सेटअप है मेक श्योर यू हैव अ राउटर जहाँ पे आपके पास एक एक्स्ट्रा इथरनेट पोर्ट हो खाली तो उससे जो है सर्वर को कनेक्ट रखेंगे हम लोग एंड ऑफकोर्स यू नीड 1 USB पेन ड्राइव जहाँ पे हम सर्वर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी बूटेबल इंस्टॉलेशन की फाइल बनाएंगे और इंस्टॉल करेंगे सॉफ्टवेयर प्रीरिक्विजिट्स की बात करें तो कोई भी क्रैक्ड या फिर ऐसी कोई पेड सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे फुल्ली फ्री ओपन सोर्स और फ्री टू यूज सॉफ्टवेयर का ही हम इस्तेमाल करेंगे तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स में पहली ऑफकोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम इसके लिए हम Ubuntu 20LTS लिनक्स की ऑपरेटिंग सिस्टम उसके बाद जो एक्चुअल सर्वर की जो सॉफ्टवेयर नेक्स्ट क्लाउड इसके साथ ओपन VPN और आखिर में Amazon वेब सर्विसेज यानी कि AWS की एक ऑलवेज फ्री टायर अकाउंट इंस्टॉलेशन की ओर बढ़ते हैं फर्स्ट स्टेप Ubuntu सर्वर को डाउनलोड करना है तो अपने ब्राउज़र पे चलिए और सर्च लगाइए Ubuntu डाउनलोड
और आपको ऑप्शन मिल जाएगा, पहला ही वेबसाइट जो है वहाँ पे क्लिक कीजिए, मैनुअल डाउनलोड सर्वर पे आइए और जो है यहाँ से आप ISO को डाउनलोड कर सकते हो। मैं इस ISO को अपनी ई ड्राइव की NC फोल्डर पे रखूँगा। अब जब ये डाउनलोड हो रही है, इसके साथ हम एक दूसरी टूल को ही भी डाउनलोड कर लेते हैं USB इंस्टॉलर क्रिएट करने के लिए, रूफस। फिर से ब्राउज़र पे जाइए और सर्च लगाइए रूफस डाउनलोड, आपको ऑप्शन मिल जाएगा, पहला ही वेबसाइट है वहाँ पे। रूफस जो है एक 1.5 MB की टूल है, उसको भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ मेरे NC फोल्डर पे ई ड्राइव की। जब ये दोनों डाउनलोड कंप्लीट होता है तो आपको अपनी USB पेन ड्राइव की ज़रूरत पड़ेगी। मेक श्योर इट इज़ मोर देन 4 GB। सो मेरे पास एक 16 GB की USB 3 पेन ड्राइव है, मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। इसे अपनी प्राइमरी कंप्यूटर पे प्लग इन कीजिए और रूफस टूल को लॉन्च कीजिए। आपको दाहिने तरफ राइट हैंड साइड पे सिलेक्ट ऑप्शन मिलेगा, क्लिक कीजिए और जो जहाँ पे आपने अपनी Ubuntu ISO डाउनलोड की थी उसे सिलेक्ट कर दीजिए। बस बाकी सब डिफ़ॉल्ट रहेगा। स्टार्ट के ऊपर क्लिक कीजिए, ISO के हिसाब से इसे राइट करना है और शायद रूफस आपसे कुछ एडिशनल फाइल डाउनलोड करने की परमिशन मांगेगा, क्लिक येस और जो है ये USB को बनाना शुरू कर देगा। अब जब ये राइटिंग कंप्लीट होती है तो अपने प्राइमरी कंप्यूटर से पेन ड्राइव को निकालिए। अब स्टेप जो है, आप जिस कंप्यूटर को सर्वर बना रहे हो, इन माय केस अपनी इस लैपटॉप को मैं सर्वर बनाऊंगा, तो उसकी जो है USB पोर्ट पे इसे प्लग इन करूँगा। मेक श्योर आपकी नेटवर्क केबल जो है कनेक्टेड है, ये सर्वर जिस कंप्यूटर को बना रहे हो दैट इज़ कनेक्टेड टू द इंटरनेट। अब यहाँ पे हम Ubuntu को इंस्टॉल करेंगे, तो बूट फ्रॉम USB आपको BIOS पे जाके सिलेक्ट करना है। कैसे करोगे, ढेर सारी आर्टिकल है, गूगल पे सर्च लगाओ। आपकी अगर लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हो उसकी मॉडल नंबर के हिसाब से, अगर डेस्कटॉप है उसकी मदरबोर्ड की मॉडल नंबर के हिसाब से BIOS में जाके बूट फ्रॉम USB ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ता है। वंस यू रीस्टार्ट सिस्टम विल बूट फ्रॉम USB और Ubuntu की इंस्टॉलर जो है वो शुरू हो जाएगा। सिंपल सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन जैसा ही है, सिर्फ डन करके नेक्स्ट आगे निकलना है। सिर्फ 3 जगहों पे आपको ध्यान देना है इंस्टॉलेशन के टाइम पे। इंस्टॉलेशन के टाइम पे जब नेटवर्क कनेक्शंस का ऑप्शन आएगा उसे डन करके आगे मत निकलिए। बाय डिफ़ॉल्ट ये DHCP पे कॉन्फ़िगर्ड है। आप अपनी कीबोर्ड की एरो कीज़ की जरिए ऊपर जो ETH यानी कि ईथरनेट ऑप्शन है उसके ऊपर जाइए, हाईलाइट कीजिए, एंटर दबाइए और एडिट IPP बोर्ड पे आइए। मैनुअल पे आपको एंटर दबाना है, तो इस मैनुअल ऑप्शन पे आपको कुछ मैनुअली IP एड्रेसेस एंटर करनी है। घबराने वाली कोई बात नहीं, आसान सी बात है। सबनेट यानी कि आपकी जो राउटर की IP एड्रेस है एग्जैक्टली वो, सिर्फ आखिर की डॉट के बाद वहाँ पे आप 0 लगाइए जो भी है उसको चेंज करके, और /24। मेरे में मेरा राउटर जो है 192.168.1.1 पे है, तो इसीलिए मैं .1 आखिर का जो है उसे .0/24 लिख रहा हूँ। एड्रेस इसका मतलब है सेकंड फील्ड जो है, ये जो स्टैटिक IP एड्रेस इंटरनल आप अपनी सर्वर की सेट करना चाहते हो जिस कंप्यूटर में इंस्टॉल हो रही है। तो मेरे में ये जो है इस फॉर्मेट पे है, तो मैं लास्ट में 45 डालूंगा, ये स्टैटिक IP 192.168.1.45। गेटवे ये एग्जैक्टली आपकी जो राउटर है उसको डालना है, तो मेरा राउटर जो है 192.168.1.1 है, तो इसलिए मैं ये डाल रहा हूँ। कहीं कहीं पे राउटर जो है, होम राउटर जो हम इस्तेमाल करते हैं वाईफाई, वो 192.168.0.1 होती है, तो उस हिसाब से आप एंटर कर लीजिए। नेम सर्वर यानी कि DNS सर्वर क्या हो रही है, पहला वाला जो है वो आपका राउटर वाला होती है, एग्जैक्टली सेम जो गेटवे है वही रहेगा, कॉमा देके स्पेस। उसके बाद मैं एक क्लाउड फ्लेयर का IP एड्रेस डाल रहा हूँ, कॉमा देके स्पेस, गूगल वाला DNS, कॉमा देके स्पेस और ये ओपन DNS का। इसके बाद सेव ऑप्शन आएगा, उसे आप एंटर कीजिए सेव ऑप्शन में और वेट कीजिएगा जब तक आपके पास नीचे जो है सेव करने के बाद कंटिन्यू विदाउट नेटवर्क ऑफ होके डन ना आ जाए। अगर कंटिन्यू विदाउट इंटरनेट जो नेटवर्क ये दिखा रहा है स्क्रीन के ऊपर, इसका मतलब है IP एड्रेस एंटर करने में कुछ गलती हुई है और इंस्टॉलर को इंटरनेट नहीं मिल रहा है, तो वापस जाइए मैनुअल एडिट पे जाके देखिए अगर कहीं पे कुछ एंट्री में आप गलती की हो या नहीं, उसे सुधारिए और फिर से यहाँ पे आइए सेव करके। तो अगर डन आ जाएगा तो डन करके सामने बढ़िए। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है, जब सेटअप स्क्रीन स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन में पहुँचता है, यहाँ पे सिर्फ एक एंट्री जो है आपको चेंज करनी है। डिवाइस के अंदर जो Ubuntu LV दिखा रहा है, न्यू टू बी फॉर्मेटेड एज EXT4 माउंटेड एट /, वहाँ पे जाइए, एंटर दबाइए और जो सेकंड ऑप्शन साइज दिखा रहा है उसमें देखिएगा ब्रैकेट में मैक्स एक वैल्यू लिखी हुई है, उसके बाजू वाली जो फील्ड है वहाँ पे एग्जैक्टली वो मैक्स वाली वैल्यू को आपको लिखना है और बस कुछ चेंज नहीं करना है। सेव करके कंटिन्यू करके
आगे बढ़ना है। यूजर नेम पासवर्ड वगैरह जो कुछ भी आ रही है उसे एंटर कीजिए, पर याद रखिएगा आप क्या एंटर कर रहे हो किसी उस हिसाब से आपको लॉग इन करना है। इसके साथ आपको थर्ड जो ऑप्शन जहाँ पे आपको चेंज करना है, ध्यान देना है, वो मिलेगा SSH सेटअप। वहाँ पे इंस्टॉल ओपन SSH सर्वर की जो चेक बॉक्स है उसे ऑन कीजिए और डन करते हुए आगे बढ़िए इंस्टॉलेशन को कंप्लीट करने के लिए। अब जब ये इंस्टॉलेशन चल रही है, इट विल टेक अराउंड 15-20 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन योर कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन। चलते हैं हमारी प्राइमरी कंप्यूटर पे AWS की सेटअप जो है उसे क्रिएट करने के लिए। AWS मतलब Amazon वेब सर्विसेस, इसकी ज़रूरत क्यों है? बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंडियन ISPs, 90% इंडियन ISP जो है घर तक पब्लिक IP पहुंचाती नहीं है। स्टैटिक IP तो बहुत दूर की बात है, वो WAN, WAN वाइड एरिया नेटवर्क इंटरनल IP एड्रेस का इस्तेमाल करते हैं आपके घर तक इंटरनेट को पहुंचाने के लिए। सो WAN IP के जरिए आप बाहर से सर्वर को, बाहर की इंटरनेट कनेक्शन से सर्वर को तो एक्सेस नहीं कर पाओगे, आपको एक पब्लिक IP की ज़रूरत पड़ेगी, वो मिल नहीं रहा है। इसलिए हम AWS यानी कि Amazon वेब सर्विस की एक वर्चुअल प्राइवेट सर्वर का इस्तेमाल करेंगे, जहां से एक टनल क्रिएट करेंगे OpenVPN सॉफ्टवेयर के जरिए आपके सर्वर तक, ताकि उस IP एड्रेस पे Amazon वेब सर्वर सर्विसेज की VPS पे जो भी रिक्वेस्ट आए वो फॉरवर्ड होके आपके कंप्यूटर तक पहुँच जाए। घबराइएगा मत, ये बिल्कुल फ्री का सेटअप है। आप AWS.amazon.com पे आइए, ऊपर राइट हैंड साइड पे आपको अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक कीजिए। सिंपल ईमेल जैसा, जैसे आप क्रिएट करते हो ईमेल अकाउंट या फ्लिपकार्ट या अमेजन में कोई अकाउंट क्रिएट करते हो, वैसे ही फॉर्म जो है फिलअप कीजिए। आपको एक इंडियन क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ 1.5 या 2 रुपये ही ये लोग चार्ज करते हैं वेरिफिकेशन के लिए। कोई ऑटो बिलिंग नहीं है, गलती से कहीं क्लिक कर दी, कुछ परचेज वगैरह नहीं हो जाएगी। आपको OTP देना पड़ता है कोई भी परचेज ऑथेंटिकेट करने के लिए। सो इट्स प्रिटी सेफ, सिर्फ 1.5 या 2 रुपये ही चार्ज करेंगे, वो भी ये लोग 2-3 दिन में बैक कर देते। सो क्रिएट योर AWS अकाउंट। जब AWS अकाउंट कैसे क्रिएट करोगे, अगर कोई कन्फ्यूजन है, इंटरनेट पर ढेर सारी अवेलेबल है, आप सर्च लगा सकते हो हाउ टू क्रिएट अ फ्री AWS अकाउंट। गूगल पे ढेर सारी आर्टिकल स्टेप बाय स्टेप मिल जाएंगे, या पे यूट्यूब पे सर्च लगाओ, वीडियो भी स्टेप बाय स्टेप आपको मिल जाएगा, कोई भी देख लो और क्रिएट कर लो। अब AWS पैनल पे जैसे ही आप लॉगिन करते हो, लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर आपको सर्विसेस ऑप्शन मिलेगा, इसको क्लिक कीजिए। नीचे आइए, कंप्यूट ऑप्शन जो है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और जैसे ही आप क्लिक करोगे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको EC2 मिलेगा, वर्चुअल सर्वर EC2, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। इससे जो है EC2 की डैशबोर्ड खुल जाएगा। इस EC2 डैशबोर्ड पे आपको राइट हैंड साइड पे लॉन्च इंस्टेंस ऑप्शन मिलेगा, इसे क्लिक कीजिएगा। इससे जो है इंस्टेंस को सर्च करने की पहली जो ऑप्शन मिडिल में आपको मिलेगा वहाँ पे लिखना है Ubuntu और सर्च कीजिए। पहला ऑप्शन आएगा Ubuntu सर्वर 20.04 LTS 64-bit पे सिलेक्टेड रहिए और सेलेक्ट पे क्लिक कीजिए। यहाँ से आपको सर्वर कॉन्फ़िगरेशन जो है चॉइस करने का ऑप्शन मिलेगा। T2.micro फ्री टायर एलिजिबल, ऑलवेज फ्री होता है ये, इसको सिलेक्ट कीजिए और नीचे रिव्यू एंड लॉन्च ऑप्शन जो है उसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे जो है रिव्यू करने के वक्त सिर्फ एक ही चीज़ एडिट करना है, वो है सिक्योरिटी ग्रुप्स। तो बाएं तरफ आपको सिक्योरिटी एडिट सिक्योरिटी ग्रुप्स ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। सिर्फ यहाँ पे नेम ही चेंज करना है, सिक्योरिटी ग्रुप नेम जो है लॉन्च विजार्ड 1 दिखा रहा है उसको चेंज करके OpenVPN मैं लिखूंगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपने हिसाब से OpenVPN सेटिंग्स लिखूंगा। फिर नीचे रिव्यू एंड लॉन्च पे क्लिक करना है और फिर से लॉन्च पे क्लिक करेंगे। अब आ जाएगा की पेयर सिलेक्शन की ऑप्शन। यहाँ पे बीच में चूज एन एग्जिस्टिंग की पेयर जहाँ पे लिखा है उस ऑप्शन को सिलेक्ट करके हम बनाएंगे क्रिएट अ न्यू की पेयर। यहाँ पे नाम देने का ऑप्शन है, की पेयर नेम RSA को सिलेक्ट रखेंगे और की पेयर नेम मैं AWS दूंगा। नीचे डाउनलोड की पेयर ऑप्शन जो है उसको क्लिक करूँगा, और की पेयर जो है मैं अपनी ई ड्राइव की NC फोल्डर पे इस AWS.PEM फाइल को सेव कर लूँगा। उसके बाद लॉन्च इंस्टेंस बटन को क्लिक करूँगा, इससे जो है जो आपका VPS सर्वर है ये लॉन्च होगा AWS के क्लाउड सर्विसेज पे। जब तक ये सर्विस 5-10 मिनट लगेंगे इसको तैयार करने में, तब तक हम लोग एक एडिट कर लेंगे छोटा अपना प्राइमरी कंप्यूटर में। NC फोल्डर में जाएंगे और की पेयर जो फाइल है जो AWS PEMI है उसके ऊपर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में जानी है, सिक्योरिटीज़ में हम जाएंगे सिक्योरिटी ऑप्शन, वहाँ से नीचे एडवांस जो परमिशन की एडवांस ऑप्शन है वहाँ पे जाएंगे
और जो विंडो खुलेगा नीचे डिसेबल इनहेरिटेंस एक ऑप्शन आएगा, इसको क्लिक करने से सारे परमिशन जो है रिमूव ऑल इनहेरिटेड परमिशंस फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट उसको क्लिक करना है, इससे सारे परमिशंस यूज़र की जो है रिमूव हो जाएगी फाइल से। अब जो है एक परमिशन सिर्फ एक ही यूज़र की ऐड करनी है, तो ऐड पे क्लिक करना है, सिलेक्ट प्रिंसिपल, वहाँ से जो है फाइंड नाउ पे क्लिक कीजिए और एडमिनिस्ट्रेटर्स, मेक श्योर दो है एडमिनिस्ट्रेटर और एडमिनिस्ट्रेटर्स, आप एडमिनिस्ट्रेटर्स को सिलेक्ट करते हो, ओके कीजिए और ओके और अप्लाई करते हुए जो है फुल कंट्रोल जो है उसको अलाउ कर दीजिए और इसको ओके और अप्लाई करके क्लोज कीजिए। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं फायरवॉल रूल्स को एडिट करने के लिए। इसके लिए आप जो है सर्विसेज पे क्लिक कीजिए और नीचे कंप्यूट और फिर से EC2 में क्लिक करना है, इससे आपके पास जो EC2 का डैशबोर्ड है ये लॉन्च हो जाएगी। यहाँ पे आप देख पा रहे हो अभी एक इंस्टेंस चल रही है, यानी कि आपकी जो वर्चुअल सर्वर है वो रेडी हो चुकी है और आपको एक पब्लिक IPv4 एड्रेस भी मिल चुकी है। यहाँ पे जो है लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिक्योरिटी ग्रुप, सिक्योरिटी नेटवर्क एंड सिक्योरिटी के अंदर में, यहाँ पे क्लिक कीजिए और हमने जो ओपन VPN सिक्योरिटी ग्रुप बनाया था वो यहाँ पे दिख जाएगा, इसको सिलेक्ट कीजिए, इनबाउंड रूल पे आइए और आपके राइट हैंड साइड पे एडिट इनबाउंड रूल नीचे मिलेगा, वहाँ पे क्लिक कीजिए। इससे जो है इस रूल में हमें कुछ ऐड करनी है पोर्ट्स ताकि जो है सर्वर चल पाए, तो ऐड रूल पे क्लिक कीजिए, सिंपल है। यहाँ से सिलेक्ट कीजिए जो है HTTP पोर्ट को, ऑटोमेटिकली आपके लेफ्ट राइट हैंड साइड पे जो है पोर्ट 80 ले लेगा। सोर्सेज जो है वहाँ पे एनीवेयर इन IPv4 कीजिए, सेम प्रोसेस रिपीट कीजिए फॉर HTTPS, यहाँ पे जो है पोर्ट 443 ओपन हो जाएगा, सोर्सेज पे फिर से IPv4 करना है। नेक्स्ट स्टेप जो है एक सिलेक्ट करना है कस्टम UDP, ये हमारी ओपन VPN जो सर्विस है उसको चलाने के लिए, इसमें आपको पोर्ट रेंज जो है एंटर करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे मैनुअली 331 और सोर्सेज पे कस्टम में एनीवेयर इन IPv4 कर देंगे और सेव रूल्स पे क्लिक कर लेंगे। ओके, आप AWS में आपकी वर्चुअल प्राइवेट सर्वर जो AWS की EC2 इंस्टेंट पे डिप्लॉय हो चुकी है और चल रही है, आप काम है उसके साथ रिमोटली आपके PC से जुड़ना, यानी कि रिमोट कंट्रोल लेना उस सर्वर की और ओपन VPN सर्वर जो है उस VPS के अंदर इंस्टॉल करना। इसके लिए कुछ कमांड्स जो है आपको एग्जीक्यूट करना है आपके कंप्यूटर से। घबराइएगा मत, नहीं कोई कमांड्स लिनक्स वगैरह ये सारे कुछ सीखना नहीं है, ये सारा कुछ जो मैं अभी यहाँ पे बकबक कर रहा हूँ इसकी एक आर्टिकल ट्यूटोरियल के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप सारे स्क्रीनशॉट के साथ कौन से स्टेप के बाद क्या करना है हमारी वेबसाइट पे लिखी हुई है, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा। जब आप इस सेटअप को करना चाहोगे उसको खोल लीजिएगा, सिर्फ आपका काम जो इस कमांड सेक्शन में जो कमांड चलानी है उस वेबसाइट उस आर्टिकल में जो स्टेप बाय स्टेप कमांड लिखी हुई है एक के बाद एक को कॉपी करना है, अपने सिस्टम में पेस्ट करना है और एंटर दबाना है ताकि कमांड एग्जीक्यूट हो। तो चलिए देखते कैसे हम लोग अभी AWS सर्वर से रिमोटली कनेक्ट करेंगे और उसमें ओपन VPN का सर्वर जो है इंस्टॉल करेंगे। स्टार्ट या सर्च पे क्लिक कीजिए, टाइप कीजिए CMD, कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर और यस पे क्लिक कीजिए। अब इस कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो में E:, यानी कि मैं अपनी E drive में जाऊंगा, उसके बाद CD space NC, इससे चेंज डायरेक्टरी NC जिस फोल्डर में जो वो AWS वाली फाइल मैंने डाउनलोड की, हमारी वेबसाइट में वापस जाएंगे कमांड को कॉपी पेस्ट करने के लिए, लॉगिन कमांड जो है इसको जो हाउ टू लॉग इन टू AWS EC2 VPS इंस्टेंस, इस कमांड को हम कॉपी कर लेंगे और कमांड प्रॉम्प्ट पे वापस आएंगे NC फोल्डर की जहाँ पे है उस वहाँ पे इसको एंटर करेंगे। ये IP एड्रेस को चेंज करना है, जो आपकी खुद की AWS में आपको IP एड्रेस मिली है उसको कॉपी कर लीजिए AWS की वेब पेज से और ये जो IP एड्रेस यहाँ पे है कमांड पे इसको डिलीट करके वो वाली पेस्ट कर लीजिए। पेस्ट के लिए आप राइट क्लिक का इस्तेमाल कीजिए, राइट क्लिक करने से ही पेस्ट होती है। एंटर दबाइए, पहली वाली जो अटेम्प्ट है यहाँ पे आपको यस लिखना है, एंटर दबाइए और ये जो है सिस्टम लॉगिन हो जाएगी AWS की रिमोट सर्वर पे। यहाँ पे कुछ सर्वर की डिटेल्स दिखा रही है। सो एनीवे कंटिन्यू करते हैं हम लोग, पहला काम जो है सर्वर को अपडेट करना, फिर से हमारी वेबसाइट से जो है AWS सर्वर की अपडेट वाली कमांड्स है एक के बाद एक उसे कॉपी पेस्ट कीजिए और कमांड्स को एग्जीक्यूट कीजिए।
वेट कीजिएगा एक कमांड के बाद दूसरे कमांड को एग्जीक्यूट करने में, क्योंकि सिस्टम जो है अपडेट्स डाउनलोड और इंस्टॉल करेगा। तो जब आपको डन मैसेज आएगा हर एक कमांड को एग्जीक्यूट करने के बाद, उसके बाद ही आप दूसरे कमांड को एग्जीक्यूट कीजिएगा। आखिर वाली कमांड जो है ये सिस्टम को रिबूट करने वाला कमांड है, इसके जरिए सिस्टम जो है रिस्टार्ट होगा। आफ्टर रिस्टार्टिंग द सर्वर, फिर से लॉग बैक इन टू द सर्वर, लॉग इन करने के बाद वेबसाइट में इंस्टॉलिंग ओपन VPN सर्वर जो पार्ट है उसमें जो जो कमांड्स है एक के बाद कमांड्स को कॉपी कीजिए और पेस्ट करके रन करते जाइए। आखिरी वाली कमांड जैसे ही आप कॉपी पेस्ट करके रन करोगे, इंस्टॉलर जो है ओपन VPN की वो शुरू होगा और आपसे कुछ सवाल पूछेगा। क्या आंसर टाइप करना है वो हमारे वेबसाइट पे लिखी हुई है एक के बाद एक क्वेश्चन के हिसाब से, उसी हिसाब से अपनी आंसर्स जो है इस कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, इस इंस्टॉलर के अंदर टाइप करते जाइए और एंटर दबा के आगे बढ़ते जाइए। लास्ट में जो है ये इंस्टॉलर आपसे एक क्लाइंट नेम एंटर करने के लिए कहेगा, वहाँ पे नेक्स्ट क्लाउड एंटर कीजिएगा और लास्ट सवाल जो है इसे पासवर्ड लेस रखिएगा ऑप्शन 1 जो है उसके हिसाब से, और इस इंस्टॉलेशन को कंप्लीट कीजिए। और इसी के साथ ही ओपन VPN जो क्लाइंट अभी क्रिएट हुई है उसे एक स्टैटिक IP असाइन करने वाली जो कमांड और प्रोसेस है, और उसी के साथ सारे इंटरनेट ट्रैफिक इस AWS सर्वर से आपकी लोकल सर्वर में भेजने वाली जो कमांड्स है और जो प्रोसेस हमारी वेबसाइट पे लिखी हुई है उसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके कंप्लीट कीजिए। अब ओपन VPN की इंस्टॉलेशन के बाद जो AWS सर्वर है वहाँ पे एक nextcloud.ovpn एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट हुई है, उसे हमें AWS सर्वर से हमारी लोकल कंप्यूटर में लाना है। तो इसकी प्रोसेस जो हमारे वेबसाइट पे दी हुई है उसे एक के बाद एक जो कमांड्स है उसको कॉपी पेस्ट करते हुए फॉलो कीजिए और इस फाइल को अपने कंप्यूटर में, लोकल कंप्यूटर जहां से आप ये सारे कुछ कर रहे हो उसके अंदर डाउनलोड कर लीजिए। मेरे में ये जो फाइल है मेरी E-Drive की NC फोल्डर में इस nextcloud.ovpn फाइल जो है वो डाउनलोड हुई है। AWS वाली VPN सर्वर जो है वो तो हमने कॉन्फ़िगर कर ली और हमारे कंप्यूटर में उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है क्लाइंट को जोड़ने के लिए वो हमने यहाँ पे डाउनलोड कर ली। अब टाइम है आपकी लोकल सर्वर को कॉन्फ़िगर करना, इसमें nextcloud इंस्टॉल करना और इसे AWS की ओपन VPN सर्वर के साथ कनेक्ट करना। वही सिंपल सा स्टेप है, कुछ कमांड्स को कॉपी पेस्ट ही करनी है। अपने प्राइमरी कंप्यूटर से कमांड प्रॉम्प्ट को लॉन्च कीजिए और लोकल सर्वर में लॉगिन करने वाली कमांड के जरिए अपनी खुद की यूज़र नेम और पासवर्ड के जरिए अपनी लोकल सर्वर जहां पे nextcloud इंस्टॉल होने वाली है वहां पे आप लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद ऑप्शन है इस लोकल सर्वर को अपडेट करने की, अपडेट करने वाली कमांड जो है एक के बाद एक एग्जीक्यूट कीजिए। डिपेंडिंग ऑन योर लोकल सर्वर की जो कॉन्फ़िगरेशन है आपकी कंप्यूटर की उसके हिसाब से ये, और आपकी इंटरनेट स्पीड के हिसाब से ये बहुत सारे अपडेट्स जो है डाउनलोड करके इंस्टॉल करेगी। एंड देन लास्ट ऑप्शन जो है सर्वर को रिबूट कर लीजिए। अब लोकल सर्वर रिस्टार्ट के बाद फिर से इसमें लॉगिन कर लीजिए और nextcloud की इंस्टॉलेशन वाली कमांड जो है एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप कॉपी पेस्ट करके एग्जीक्यूट कीजिए। ध्यान रखिएगा जहां पे इन कमांड्स में यूज़र नेम और पासवर्ड और IP एड्रेसेस की जगह है वहाँ पे आपकी खुद की यूज़र नेम और पासवर्ड आपके हिसाब से, आपकी IP एड्रेसेस, आपकी जो AWS वाली IP एड्रेसेस है ये आपके हिसाब से आप एडिट करके एंटर कीजिए। तो कंप्लीट हो चुकी है हमारी सेटअप, सक्सेसफुली हमने हमारी जो घर की जो होम क्लाउड बैकअप सर्वर है उसे AWS की ओपन VPN सर्वर के साथ जुड़ ली है। अभी ये इंटरनेट से एक्सेसिबल है, तो अब देखेंगे हम कैसे इस सर्वर को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो पहला पॉइंट, गूगल ड्राइव की तरह इसे हमें इस्तेमाल करना था। अब दुनिया में किसी भी कंप्यूटर, टैबलेट या फिर फ़ोन में ब्राउज़र लॉन्च कीजिए और उसके अंदर AWS वाली जो पब्लिक IP आपकी है उसे उसके एड्रेस बार में डालिए। इससे nextcloud की लॉगिन पेज जो है वो खुल जाएगा, एक सिक्योरिटी वार्निंग आएगा, उसे प्रोसीड कीजिए क्योंकि सर्टिफिकेट जो है वो आपकी खुद की सेल्फ ट्रस्टेड सर्टिफिकेट है। यहाँ पे अपनी nextcloud वाली यूज़र नेम और पासवर्ड डालिए और लॉगिन कीजिए। nextcloud की जो होम पेज है वहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे, टॉप लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे जो है आपको फाइल्स ऑप्शन मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए। इससे जो है nextcloud ड्राइव जो आपकी ऑनलाइन खुद की जो सर्वर अभी बनी है उसकी जो ड्राइव है ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज वो दिखेगा। यहाँ पे nextcloud जो है कुछ डेमो फाइल्स और फोल्डर्स वगैरह खुद ब खुद क्रिएट कर लेगा। इसकी ज़रूरत तो है नहीं, तो मैं मेरे इंस्टॉलेशन में इन सारों को डिलीट कर लूँगा और एक सेपरेट फ़ोन बैकअप फोल्डर क्रिएट करूँगा सेपरेटली फॉर फोटोज़ एंड वीडियोज़ जो ऑटो अपलोड अभी फ़ोन से करना है मुझे। दूसरी चीज़, nextcloud को हम गूगल फोटोज़ की ऑल्टरनेट की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे, जहाँ पे डेटा जो है आपकी खुद की
क्लाउड बैकअप सर्वर जो नेक्स्ट क्लाउड के साथ चल रही है उसके अंदर बैकअप होगी। दुनिया में आप कहीं भी रहो इंटरनेट के जरिए सिंपल सा काम है। जो आपकी फ़ोन है चाहे वो एंड्रॉयड हो या iOS, उसकी प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाइए, नेक्स्ट क्लाउड वाली जो ऐप है उसे डाउनलोड कर लीजिए। कुछ परमिशन वगैरह ये मांगेगा, अप्रूव कीजिए, लॉन्च कीजिए ऐप को। आपकी लॉगिन URL, आपकी Amazon की जो पब्लिक IP है वो है उसे एंटर कीजिए, आपकी यूज़र ID पासवर्ड जो नेक्स्ट क्लाउड की यूज़र ID पासवर्ड आपने क्रिएट की थी उसे एंटर कीजिए। इससे आपकी अकाउंट जो है आप इससे एक्सेस कर पाओगे। इसके सेटिंग्स में, ऐप की सेटिंग्स में आप जाइएगा, वहाँ पे ऑटो बैकअप जो ऑप्शन है ऑटोमेटिक बैकअप करने के लिए, वहाँ पे आपको आपकी डिवाइस की सारे फोटोज़ और वीडियोस कैटेगरिकली दिख जाएगा, जैसे व्हाट्सअप हो कैमरा की वीडियोस अलग अलग से। तो उस हिसाब से जिसको आप जिस फोल्डर्स को आपके डिवाइस से आपको बैकअप करना है उसमें जो बैकअप की क्लाउड सिंबल है उसे एनेबल कर दीजिए। अगर नेक्स्ट क्लाउड के अंदर किसी डायरेक्टरी में, स्पेशल किसी डायरेक्टरी में आपको रखना है, जैसे मैं रखना पसंद करता हूँ, आपको राइट हैंड साइड पे उसे भी कॉन्फ़िगर फोल्डर कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन पार्ट को कंप्लीट करते हो, ये फ़ोन जो है आपकी जो फ़ोन है जब इंटरनेट के साथ जुड़ी हुई होगी, जो भी आप नया फोटोज़ या वीडियोज़ आप क्लिक करोगे एग्जैक्टली सेम एज़ गूगल फोटोज़ में होता है, वो ऑटोमेटिक बैकअप करना शुरू करेगा। पर यहाँ पे बैकअप जो है आपकी घर की, आपकी खुद की नेक्स्ट क्लाउड की बैकअप, जो क्लाउड बैकअप सर्वर आपने बनाई है वहाँ पे बैकअप होगा। अब नेक्स्ट क्लाउड की मेन जो पेज है उसकी राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे जो यूज़र आइकन है उसे क्लिक करने से आपको नीचे यूज़र्स ऑप्शन मिलेगा। इस यूज़र्स ऑप्शन के अंदर आप डिफरेंट यूज़र्स सेपरेट यूज़र अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हो, ताकि ये जो सर्वर है सिर्फ आप ही नहीं आपकी फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स जो इस्तेमाल करना चाहे वो भी बैकअपिंग के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो फिर वीडियो शायद आपको अच्छा ही लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए मैं एंजॉय करता हूँ मेरी अपनी नेक्स्ट क्लाउड सर्वर को। मिलते हैं आपसे किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव फन एंड स्टे सेफ।